देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ स्नोफॉल दर्ज की गई है। आंकड़ों की बात करें, देखिए, अगर स्नोफॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में भरमौर में 1 फीट के आसपास, लूनी में 21 सेंटीमीटर, वहीं जोध की बात करें तो वहाँ 45 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल दर्ज की गई 24 घंटों में। किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जो कल्पा में 8 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। कुल्लू की बात करें, देखिए, कोठी में 35 सेंटीमीटर, मनाली में 30 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ देखिए तकरीबन एवरेज 15 से 18 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जो स्टेशन है गोंदला, कुकमी, सेरिंग, किलोंग है। और शिमला की बात करें तो देखिए, शिमला में जो खदराला में 35 सेंटीमीटर थी, शिलारू में 42 सेंटीमीटर थी रिकॉर्ड की गई। चौपाल में भी 20 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। और वहीं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी है और सारी चीज़ में भी स्नोफॉल दर्ज की गई है। और बारिश की बात करें, देखिए, पिछले 24 घंटों में मॉडरेट रेनफॉल हुई है, जिसमें कि जो कांगड़ा में रोटा सूर्या में 58 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मंडी सलापड़ में 45 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। और साथ में देखिए कुछ क्षेत्र भी, जैसे हमारे पालमपुर है, कांगड़ा है, सोलन है, वहाँ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई थी इसी दौरान। और आगामी 5-6 दिनों की बात करें, देखिए, आज 2 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। फिर कल 3 तारीख की इवनिंग और देर रात से 1 WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा। और इसके इफेक्ट से देखिए 3 तारीख की रात से और 4 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हमारे जो हाई रिस्क के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। इसी दौरान देखिए जो अलर्ट के तौर पे देखिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति है, आप हमारा शिमला के जो हायर बेल्ट है और इवन कुल्लू है, वहाँ पे हैवी स्नोफॉल के 1-2 स्पेल होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। फिर 5 तारीख को जो एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी, पर हालांकि उसमें भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। फिर 6 तारीख को मतलब काफ़ी कमी आएगी वेदर में, और 6 तारीख को मान सकते हैं कि 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 7 तारीख से जो मौसम है प्रदेश में मुख्यतः साफ बना रहेगा। और देखिए जो पिछले 24 घंटों में जो एक्टिविटी हुई है स्नोफॉल और रेनफॉल की, इसके चलते जो दिन के तापमान है पूरे प्रदेश में ही एवरेज 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की थी। और इसके चलते कुछ कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी। हालांकि जो आज मौसम साफ है, इसके चलते जो दिन के तापमान है वो काफ़ी राइज करेंगे। और देखिए जैसे कल मॉर्निंग में जो हमारे जो एरियाज़ हैं, जो ऊना है, बिलासपुर है, हमें इसके एक दो पॉकेट्स में सुबह के टाइम में फॉग होने की संभावना बनी रहेगी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।